अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान टॉप नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज जो है वो हम 10 तारीख की क्लोजिंग की बात करेंगे और ये बात करेंगे कि मुमकिन तौर पर 11 तारीख को जो है वो मार्केट की सिचुएशन क्या हो सकती है। तो चलते हैं जी और देखते हैं कि आज मार्केट में क्या सिचुएशन रही। आज मार्केट ने बहरहाल थोड़े से जंप छलांगे तो लगाई हैं, तो आज जो है वो मार्केट ने 473 पॉइंट डाले। बहुत ही अच्छा था आज मार्केट का सिलसिला। शुरू में एक डेढ़ घंटा तो मुझे लगा कि शायद मामला जो है वो अभी भी शायद साइडवेज ही रहेंगे, लेकिन उसके बाद मार्केट ने में एक इम्पैक्ट बहरहाल जो है वो देखने को मिला। 473 पॉइंट है, मेरा ख्याल इसको 500 ही कंसिडर करना चाहिए। लेकिन जब हम आगे समरी पे जाएंगे तो फिर ये इस बात का पता चलेगा कि आया कि ये जो 500 पॉइंट पड़े हैं क्या ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं पूरी स्टॉक मार्केट के अंदर, तमाम सेक्टर्स के अंदर, या कि ये सिर्फ और सिर्फ महज किसी भारी भरकम सेक्टर की वजह से है। तो इंशाल्लाह आगे चलते हैं तो समरी में ये सारी चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। सर्किट ब्रेकर की अगर बात करें तो आज 500 पॉइंट बहरहाल मार्केट प्लस में थी और 14 कंपनियां जो हैं वो अपर कैप हुई। टीपीएल प्रॉपर्टी भी हुआ, वार नोबल भी हो गया। देखिए ये जो रावी टेक्सटाइल है ना, इसके हवाले से आपको पता ही होगा, लेकिन हम भी चलें थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। ये आप अपना ना टाइप ऑफ बिजनेस चेंज करने के लिए जा रहे हैं तो उसका एक इम्पैक्ट है इसके ऊपर। तो चूंकि स्टील सेक्टर के जो बाकी शेयर्स हैं वो तकरीबन इससे ऊपर ही हैं सारे के सारे, मेरा ख्याल इत्तेफाक शायद इससे नीचे है। तो लेट्स सी कि इसका इम्पैक्ट जो है वो मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है। बहरहाल ये क्वाइट अनसर्टन है अभी प्रेडिक्ट करना कि अब रावी जो है जब ये अपना टाइप ऑफ बिजनेस चेंज करने जा रहे हैं तो इससे कहाँ तक का इम्पैक्ट इनके शेयर के ऊपर आ सकता है। वक्ती तौर पर तो इम्पैक्ट ज़रूर है, लेकिन इन द लॉन्ग रन कहना अभी थोड़ा मुश्किल होगा। उसके बाद AGL भी हुआ, दाऊद इक्विटीज भी हो गया, वाह जी वाह, चलें जी अच्छी बात है। लोअर कैप की बात करें तो मेरा ख्याल है लोअर कैप में कोई कंपनी नहीं है, चलें एक कंसीडर कर लें इसको, IML को, के बाकी ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि सॉरी वो रह गए ग्राफिकल व्यू। अब ग्राफिकल व्यू जो है इसमें अभी स्टिल जो है वो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर जो है वो लीड कर रहा है। यकीनन इसकी वजह जो है वो यही है कि इस वक्त ऐसे तमाम शेयर्स जिनके अंदर टका के वॉल्यूम लग रहा है उनका ताल्लुक जो है वो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर के साथ है। यही वजह है कि जब हम ग्राफिकल व्यू को देखते हैं तो मोर देन 50% जो है वो हमें हिस्सा टेक्नोलॉजी सेक्टर का ही नज़र आता है। अब शायद आज जो है वो TRG भी चला, नेटसोल में भी वॉल्यूम लगे, हम नेटवर्क में भी लगा, वर्ड कॉल में भी लगा, तो ये सारी चीज़ें चूंकि बिग वॉल्यूम्स जनरेटर हैं तो जिसकी वजह से सारा का सारा हिस्सा टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही नज़र आ रहा है। सबसे लास्ट पे जो है वो कमर्शियल बैंक्स हैं। देखिए बैंक्स, अब मैंने आज गुज़श्ता चंद दिन से आपसे कह रहा हूँ, जो लोग बैंक्स में काम करते हैं वो कूदने की तैयारी फरमाएं, बल्कि कूदना शुरू करें। ये आज जो है वो इकोनॉमिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है वो मैंने अभी तक नहीं देखा, शायद अनाउंस हो गया हो या अभी जो शौकत रीन साहब हैं वो कुछ फरमा रहे हो, वो ज़रूर सुनिएगा। देखिए सिर्फ महज जो है वो मेरे जैसे दोस्तों की वीडियो सुन लेना और उसकी बुनियाद पर टेक्निक, चलें इसको हम थोड़ा सा इस पर आज बात कर ही लेते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कर लेना, फंडामेंटल एनालिसिस कर लेना, ये सारी बातें देख लेना, उसके बाद शेयर्स की बाइंग सेलिंग सेलेक्ट कर लेना, ये बहरहाल एक फन तो है, लेकिन अगर आप प्रॉपर अपनी जिंदगी में बिजनेस को देखना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स को जानना चाहते हैं, किन चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो बिजनेसेस के ऊपर होता है, तो उसके लिए ये चंद चीज़ें हैं ना उसके ऊपर ज़रा ज़रूर गौर फरमाया करें। मैं दो तीन चीज़ें आपको बता देता हूँ। एक चीज जो है ये इकोनॉमिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, इसको जरूर आप जो है वो देखें। दूसरा ना स्टेट बैंक की तरफ से एक रिपोर्ट जो है वो शाया होती है इकोनॉमी के हवाले से, वो जरूर पढ़ा करें। मेरी अगर नजर में इस बार गुजरी तो मैं उसका कोई लिंक शिंक भी शेयर करने की कोशिश करूंगा। यार असल में ना हमारे यहाँ जो है ना वो थोड़ा सा पढ़ने पढ़ाने का ना रिवाज खत्म होता जा रहा है, पता नहीं इसकी क्या वजह है। लोग बस चाहते हैं कि कोई बनी बनाई चीज ही मिल जाए और हम उसी के ऊपर ही काम कर लें,
अपना जो है वो कुछ दिमाग इस्तेमाल ना करना पड़े। हालांकि दिमाग इस्तेमाल करने से कम नहीं होता, बल्कि उसमें कहा यह जाता है कि इजाफा ही होता है। तो खैर बात थोड़ी सी कहीं और निकल गई। कहने का मतलब ये था कि इकोनॉमी के रिलेटेड जो न्यूज़ होती हैं या जो सर्वेज होते हैं या जो अदादो शुमार जो है वो वजारत खजाना की तरफ से शाया किए जाते हैं या स्टेट बैंक की तरफ से आते हैं, उनको ज़रूर पढ़ा करें। उससे आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा होगा। आगे चलते हैं और समरी की बात करते हैं कि समरी ने आज क्या किया। 255 ऊपर और 106 नीचे। चलें जी, अच्छी बात है यार, वेरी गुड। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स में आज फिर जो है वो हमें थोड़ा डिप्रेशन देखने को मिला, जिसमें से 29 रुपये निकले इंडस में से, हिनो में से भी निकले, होंडा एटलस कार्स में से भी निकले, लेकिन पार्क सुजुकी ने छक्का लगाया, उसमें तकरीबन 6 रुपये का इजाफा है। बड़ा भाई गंधारे का जो है उसमें तकरीबन 3 रुपये का इजाफा और छोटे गंधारे के अंदर है 34 पैसे का इजाफा। मैंने आज सुबह जो है ना वो अपने दोस्तों को मैसेज किया था कि यार आज मार्केट की सिचुएशन देखते हैं, लेकिन जब वो तरीन साहब जो है वो देखिए जो बजट का जो इम्पैक्ट होगा ना वो समझे, ये जो आज उन्होंने फरमाना ना यही बजट है उनका, ये उसका खुलासा बयान करेंगे कि वो क्या करने जा रहे हैं। तो बहरहाल इसके ऊपर जो था वो काफी था कि पता नहीं ऑटोमोबाइल असेंबलर को टैक्सेस कम होने जा रहे हैं या क्या वजह है। बहरहाल उसका इम्पैक्ट इतना खास हमें नजर नहीं आया, जो होना था सो हो चुका। ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स में भी तकरीबन 50-50 चल रहा है, 3 नीचे 3 ऊपर और 1 नो लॉस नो प्रॉफिट, तो बिल्कुल ही 50-50 है। आगे चलें जी, केबल्स की बात करें, आज बड़ा अच्छा जो था मूव इसके अंदर था वेव्स एंड सिंगर के अंदर, 1 रुपया 66 पैसे, मुझे तो लग रहा था कि शायद ये अपर कैप ही हो जाए, इसको अपर कैप ही समझें जी आप। वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था और उसके साथ साथ प्राइस में इजाफा भी अच्छा हुआ। सम टाइम ऐसा होता है कि शेयर्स के अंदर वॉल्यूम तो बहुत लगता है लेकिन उसकी प्राइस में इजाफा नहीं होता, ये भी चीज़ें बड़ी सिग्निफिकेंट होती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान केबल में सीधा सीधा सा 5 रुपये का इजाफा हुआ, ये भी गुड है। हमारे पास तो बहरहाल, मेरे पास तो तकरीबन केबल्स में से ये वेव्स ही है, बाकी और कोई नहीं है। बाकी मैंने सजेस्ट किया था अपने दोस्तों को पाकिस्तान केबल, लेकिन वो भी मेरा ख्याल शायद 160 पे गया था, तो मैंने कहा था यार पोजीशन वगैरह काट दें आप अपने। सीमेंट सेक्टर की बात करें, यस, अब ये जो 500 पॉइंट का इम्पैक्ट है ये हमें सीमेंट में नजर आ रहा है, तो अच्छी बात है यार। कल 2-3 सीमेंट्स जो थे वो मैंने, मेरा ख्याल एक चिराड़ सीमेंट की बात हुई थी, उसके साथ शायद कोहाट की बात हुई थी, मेरा ख्याल 2-3 सीमेंट की बात हुई थी, पावर की भी शायद हुई थी। तो चले अच्छी बात है यार, अगर किसी ने कोई पोजीशन बनाई है तो अब वो बनाए रखे, अगर नहीं बनाई तो मेरा ख्याल अभी भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, लेकिन ये कल का दिन डिसाइड करेगा। केमिकल सेक्टर की बात करें तो एग्रीटेक तो खैर हो गया अपर कैप, इसके अलावा डेस्कॉन में प्रेशर देखने में आ रहा है, एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स में 9 पैसे का इजाफा। लोटे शोटे ऊपर गए थे फिर वो घूम गए हैं चले कोई बात। राइट, कमर्शियल बैंक्स, बैंक्स ने देखें इजाफा तो कोई इतना खास नजर नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल बैंक्स के ऊपर भी इम्पैक्ट तो है, बैंक्स के ऊपर भी 500 पॉइंट का इम्पैक्ट हमें नजर आ रहा है। सीमेंट के ऊपर भी तकरीबन 90-95% के करीब जो है वो चीजें ग्रीन हैं और कमर्शियल बैंक्स में भी, तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम भी अगर आप देखें तो बैंक्स में अच्छे वॉल्यूम्स हैं। सिल्क बैंक में भी अच्छा वॉल्यूम है, नेशनल बैंक में अच्छा वॉल्यूम है, इसके अलावा अगर हम देखें तो जीएस में भी अच्छा है लेकिन वो नीचे है इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे। हबीब बैंक में अच्छा वॉल्यूम है, पंजाब बैंक में, यार सब में ही अच्छा वॉल्यूम लगा हुआ है, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि किसी में कुछ चंद हजार का लगा हो, लगे लाखों में ही है, तो ठीक है, अच्छा वॉल्यूम है, लोग खरीद रहे हैं, यही दिन है इसके खरीदने के, तमाम शेयर्स के नहीं, सिर्फ बैंक्स में, वो भी चंद बैंक्स की बात वो मैं कल कर दी थी। इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें तो इंजीनियरिंग सेक्टर में बहरहाल इस चीज़ का इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला, माँ सिवाय आगा और अमरेली के, अमरेली भी नहीं, आगा में अच्छा इम्पैक्ट है और के एस बी पंप्स में बहरहाल 10 रुपये का इजाफा है लेकिन वॉल्यूम 900 का है, इसलिए शेयर बढ़ा है ना
₹250 वाला शेयर है। तो ठीक है यार, आयशा स्टील जो है वो मजीद नीचे 38 पैसे, चलें अच्छी बात है। फर्टिलाइजर सेक्टर अगेन सदाबहार सेक्टर है, इसमें जब भी डिप आए आप बाइंग फरमाया करें। तो अब ये जा रहा है ऊपर तो जाने दें, मेरे पास तो नहीं है। मैंने अपने दोस्तों को ये रिकमेंड किया था, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासम, उनके पास है, चलें अच्छी बात है। फूड फूड के अंदर भी आज 500 पॉइंट का हिस्सा इसको भी मिला है, और शेयर्स में हमें थोड़ा सा बेहतरी नजर आ रही है। अल शहीर के अंदर बहुत अच्छा जो है वो इम्प्रूवमेंट आज हमें देखने को मिली, ना सिर्फ इसके अंदर अच्छा वॉल्यूम था बल्कि इसके साथ साथ इसके अंदर प्राइस भी जो है वो भी काफी ऊपर निकली है, तो दैट्स फाइन यार। ग्लास एंड सिरामिक्स छोड़ दें, कोई बात नहीं होगी इसके ऊपर। इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो ठीक है यार, वॉल्यूम कम ही लग रहे हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स में बहरहाल दाऊद इक्विटीज जो है वो आज अपर कैप था, हालांकि ये ₹8 का शेयर है, वॉल्यूम इसके अंदर कम है। मेरे हिसाब से इसके अंदर कम से कम मिलियंस में वॉल्यूम होना चाहिए था, फिर कहीं जाके इसको अपर कैप होना चाहिए, लेकिन ये चूंकि कबल अज वक्त है इसलिए मैं इसको रिलायबल नहीं समझता। 786 50 पैसे फिर ऊपर चला गया है। फर्स्ट नेशनल इक्विटीज में 2 पैसे की कमी, यार ये मैंने कल भी, मेरा ख्याल है इसके ऊपर तफसील से बात हो गई थी कि ये जो है ना आपका अल्लाह भला करे ये सेक्टर यार इन्वेस्टमेंट बैंक्स वाला ये बस जरा ना हमें वीक सा सेक्टर ये है, इसके ऊपर ज्यादा रिलाई ना किया करें। लीजिंग में तो आज लीजिंग लीजिंग हो गई है, सऊदी पाक लीजिंग में बड़ा अच्छा वॉल्यूम लगा हुआ है आज, और 97 पैसे का इजाफा है। ये कभी कभी जो है ना वो किसी को जोश आता है ये काम करने का। तो बादशाह का शेयर ₹2 नीचे। शिफा इंटरनेशनल टीपीएल प्रॉपर्टीज तो खैर अपर कैप हुआ। ठीक है यार, आई डोंट थिंक के मेरा ख्याल है जिनके पास है वो थोड़ा सा करें, इनकी इंशाल्लाह हो जाएगा, अच्छी जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आपको। मुदारबस छोड़ दें, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन देखें, इसके हवाले से कल मैंने एक बात की थी कि ये दोनों शेयर्स जो हैं ओजीडीसीएल और पीपीएल एक ही प्राइस पे आए हुए थे, तो मैंने कहा था कि आप लोग स्विचिंग फरमा लें। जिन लोगों ने फरमाई है अब वो थोड़ा सा हौसला करके बैठिएगा, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी के अंदर जिसको हम लोग ओजीडीसी कहते हैं, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में हैस्कोल के अंदर 25 पैसे का इजाफा और शेल के अंदर 5 पैसे की रही कमी। एसएनजीपी के हवाले से अच्छी न्यूज है कि शायद ये कोई डिविडेंड वगैरह अच्छा देगा, और बहरहाल 50 तक तो इसने जाना ही है, वहां पर अगर किसी ने एग्जिट लेना हो तो वो ले सकता है। पेपर एंड बोर्ड में भी आज अच्छी खासी तेजी देखने में रही। फार्मास्यूटिकल में मामलात चूंकि काफी ऊपर निकल गए थे लेकिन अभी इनके अंदर जो कमी वाकया हुई है वो कुछ खास नहीं हुई, तो मेरा ये ख्याल है कि अभी इसमें इंतजार करना चाहिए। आज की कैंडल जब डिस्कस करेंगे तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल डिस्कस करेंगे कि कहां पर आपको एग्जिट लेना चाहिए या कहां पर आपको मजीद बाइंग करनी चाहिए। पावर जनरेशन इनको पैसे मिले हैं, सबको ही मिले हैं तकरीबन, लेकिन इम्पैक्ट जो है वो तकरीबन 50% के ऊपर इसका नजर आ रहा है। कैपको आप देखिए ना यार, ये चीज बड़ी ना अजीब सी है, जो जो कमाने वाली कंपनीज हैं वो जैसे ही कोई डिविडेंड वगैरह अनाउंस करती हैं तो उनका शेयर नीचे चला जाता है, तो लोग समझते हैं यार अब हमने क्या इसको खरीद के करना है। अब इसने ₹5 का डिविडेंड अनाउंस किया और ये मुंह के बल गिरा हुआ, ये अच्छी बात नहीं है, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। रिफाइनरीज में बड़ा अच्छा जो है वो आज मूड देखने का था। देखिए रिफाइनरीज के हवाले से दोबारा फिर वही न्यूज, एक वो क्या कहते हैं कि चले हुए कारतूस जो है दोबारा चलाए जा रहे हैं, कि वो पहले न्यूज आई फिर वो वापस ले ली गई, अब वो फिर दोबारा से कह रहे हैं कि जी वो पता नहीं कोई काबीना के अंदर दोबारा से डिस्कस होगा और फिर कुछ जो है वो इसके अंदर आएगा, तो ये बस ये ऊपर नीचे का सिलसिला चलता रहेगा। आप लेवल्स देखें, एंट्री लें, लेवल्स देखें और एग्जिट लें। शुगर में अभी तक कुछ नहीं निकाल सका मैं, सिंथेटिक को भी छोड़ें। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन ये आपका 50% है पूरी स्टॉक मार्केट का इस वक्त,
वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। एवेंसियन के अंदर भी इतना अच्छा वॉल्यूम नहीं, ठीक है यार, फिर भी हम नेटवर्क के अंदर बहुत वॉल्यूम लगा है, मीडिया टाइम्स के अंदर बहुत वॉल्यूम लगा है, नेटसोल के अंदर, पाक डाटा कॉम के अंदर भी बहरहाल आज वॉल्यूम थोड़ा लगा, पीटीसी के अंदर बहुत अच्छा वॉल्यूम है, ये सारे के सारे ही बहरहाल भाग दौड़ कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि आपने अगर किसी शेयर में एंट्री फरमानी है, आज तो टीआरजी ने भी तकरीबन अपर लॉग लगाया, 11 रुपए का टका के इजाफा हुआ इसके अंदर। मेरा ये ख्याल है कि अगर आपने किसी शेयर में एंट्री फरमानी है तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप थोड़ा इंतजार फरमा के किसी को शेयर को हाथ में रखें, सोचें, उसका एनालिसिस करें, फिर एंट्री लीजिएगा। काफ़ी चीज़ें कम अज़ कम टेक्नोलॉजी सेक्टर में काफ़ी चीज़ें ऊपर निकल चुकी हैं, टेक्सटाइल में भी अभी कुछ नहीं है, स्पिनिंग भी छोड़ दें, और ट्रांसपोर्ट को देखें तो ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल अच्छे लेवल पे चला गया था। मैंने आपसे उस दिन कहा था कि मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें से बेच दी हैं, सॉरी काफ़ी शेयर्स बेच दिए हैं, थोड़े से रहते हैं, तो लेट्स सी, देखते हैं कि आने वाले दिन जो है वो माफ़ कीजिएगा ये ऊँट जो है ये किस करवट बैठता है। अब बात करते हैं जी, वो अपनी एक मशहूरी कर लें थोड़ी सी कंपनी की, और फिर इंशाल्लाह जो है वो हम आगे चलते हैं। ये हमारी सर्विस है जी, बेसिक भी है और इनहेंस भी है, लेकिन माजरत के साथ इस वक्त हमारी जो इनहेंस सर्विस है इसके अंदर जो है वो हम मजीद क्लाइंट्स नहीं ले रहे। जब इसके अंदर स्पेस होगी तो इंशाल्लाह आप दोस्तों से जो है वो हम रब्ता जरूर करेंगे। इस वक्त अब बेसिक सर्विस अवेलेबल है, अगर आप में से कोई दोस्त इसमें एंट्री लेना चाहें, हमारे साथ काम करना चाहें, तो वो ये ले सकते हैं। इसमें भी हम आपको जो है वो शेयर्स के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं, अगर आपने हमसे कोई मशवरा करना हो तो उसका भी हम जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स। मैंने आपसे गुजारिश की थी कि शॉर्ट सेलिंग के हवाले से भी आप बताइएगा कि वो भी साथ में सर्विस होनी चाहिए या नहीं। बहुत सारे दोस्तों का 2 दिन में रिप्लाई आया, मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अगर मजीद आप लोग 1-2 दिन में मुझे मजीद अगर आप अपनी राय से नवाजें तो उम्मीद की जा सकती है कि मंडे से हम उस सर्विस के बारे में भी कोई अपनी राय कायम कर लें। अब चलते हैं जी आगे और बात करते हैं कैंडल की। तो कैंडल क्या कहती है? कैंडल कहती है आय हाय 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 हाय, कैंडल्स जो है इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी कैंडल बनी है। कल ही अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इन द लॉन्ग रन, मैंने आपसे कहा था कि यार मार्केट का अगर लॉन्ग लॉन्ग रन में आप मुझसे पूछेंगे कि क्या मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है, तो मेरा जवाब होगा नहीं। शॉर्ट में पूछेंगे कि मार्केट जो है वो साइडवेज से नीचे की तरफ गई है, यस। लेकिन एक चीज मैंने कल भी कही थी वो मैं आज फिर आपसे कहता चलूं कि देखिए, जब एक कैंडल बनी, देखिए इस कैंडल को हम डाउनवर्ड्स कंसीडर नहीं कर सकते, इसलिए कि ये सारा का सारा जो फेज था ये था साइडवेज का, जिसमें मार्केट जो है वो सिर्फ 48,000 के आगे पीछे 200 ऊपर 200 नीचे, 300 ऊपर 100 नीचे घूमती रही है तकरीबन पूरा एक हफ्ता, क्योंकि हफ्ते के अंदर 5 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, इसलिए हम पूरा वीक ही इसको कंसिडर कर रहे हैं। जबकि उसके बाद जो दूसरी कैंडल बनी थी जो कि कल की थी, मार्केट के अंदर डिप्रेशन भी देखने में आया, पैनिक सेलिंग भी देखने में आई, वो थी एक कैंडल। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जब मार्केट किसी भी तरफ मूव करे, चाहे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, हमेशा जो सेकेंड कैंडल होती है वो डिसाइड करती है कि क्या मार्केट का मूड जो है वो अप की तरफ है या के डाउन की तरफ। अब आज अगर फर्ज करें यहां पर कैंडल बनती तो देन यस, मार्केट का डाउनवर्ड हम कह सकते थे कि स्टार्ट हो गया। अब इसी तरह से अब आज की जो कैंडल बनी है इसकी बुनियाद पर ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि जी मार्केट गई 50,000, नो, ये कल की कैंडल डिसाइड करेगी। अगर कल की कैंडल यहां बनती है और उसके बाद एक कैंडल जो है वो हमें 48,700 के ऊपर क्लोजिंग देती है, देन हम ये राय कायम कर सकते हैं कि मार्केट का अगला स्टॉप मुमकिन तौर पर 50,000 का हो सकता है, फिर आप उसके हवाले से कैलकुलेशन फरमा सकते हैं। लेकिन ये कल की कैंडल और कल की मार्केट डिसाइड करेगी कि मार्केट ने क्या करना है। क्या ये आज के दिन जो हमें मूवमेंट मार्केट के अंदर पॉइंट टू पॉइंट की नजर आई है, क्या ये वक्ती है या कि इसकी कॉन्टिन्यूशन हो सकती है,
लेकिन मेरा ये जाती तौर पर ख्याल है कि 48,000 पर मार्केट पहुंचने के बाद आपको 50,000 55,000 की तरफ नहीं देखना चाहिए, आपको अपने इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स में देखना चाहिए जिसके अंदर आपको स्पेस मिले, आप एंट्री फरमाएं, जिसके अंदर आपको सेचुरेशन नजर आए उसमें से आप एग्जिट फरमाएं, बजाय इसके कि आप रिलाय करें इंडेक्स के ऊपर, आप रिलाय करें अपने शेयर्स के ऊपर। मेरा ये ख्याल है कि उससे आपको ज्यादा अच्छी जो है वो ना सिर्फ के अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी बल्कि बाइंग सेलिंग के मौके भी दस्तियाब होंगे। उम्मीद है यार आपको आज भी जो है वो वीडियो पसंद ही आती होगी, तो यार आप देखते हैं ना। तो बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया यार, जो लोग पसंद करते हैं मैसेजेस वगैरह करते हैं, आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। शॉर्ट सेलिंग के हवाले से ज़रूर बताइएगा, और इसके साथ साथ चंद वीडियोस जो हैं शायद ऐसी भी अपलोड की जाएं इस चैनल के ऊपर जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ना हो। तो सिर्फ कहने का मतलब यह है कि उसका थंबनेल देख के ही आपको पता लग जाएगा, आपने अगर सब्सक्राइब कर रखा है चैनल, या वीडियो आपके पास आए तो आपको थंबनेल देख के पता लग जाएगा कि ये रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट है या नहीं। तो वो नहीं होगी तो आपकी मर्जी है, आप सुनना चाहें सुन लीजिएगा, ना सुनना चाहें तो रहने दीजिएगा। तो बहुत शुक्रिया जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही, अल्लाह हाफिज़।